नमस्ते सर तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैं 2019 से क्रिया योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और रिसेंटली फ्यू मंथ से साउंड ऑफ साइलेंस भी ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस होती है मेरी बट सर ऐसे भी दिन आते हैं कि जब फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती है इमोशनली थिंग्स कम अप आई एम नॉट फीलिंग वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग प्रकटिस होती है आई एम वेरी फिट और ऐसा लगता है कि यू नो एवरीथिंग इज यूनिकॉर्ज एंड रेमगोज बट फिर नॉन प्रैक्टिस डेज पे आई फॉल बैक टू माई ओल्ड सेल्फ सो लीडिंग अप टू दैट माई क्वेश्चन इज की हाउ कैन आई गो बियॉन्ड दिस फिजिकल एंड इमोशनल लिमिटेशन और ड्रामा

कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे मूड खराब नहीं होगा दिस इज वॉट मोस्ट पीपल थिंक जबकि ये नहीं है जब भी मैं मॉडरेशन की बात करता हूं मैं क्या कहता हूँ ये सब चीजें होंगी जब तक आप जिंदा हैं तब तक इमोशनल लेवल पर भी थॉट्स के लेवल पर भी और फिजिकली भी हर तरह की प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म होने वाली है बिल्कुल ऐसा है जिसका जो काम है वो वही तो करेगा तो बॉडी का काम क्या है बॉडी का काम है कभी बीमार हो जाती है कभी ठीक हो जाती है तो ऐसे ही है ऐसे इमोशंस का है कभी इमोशनली हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं खुश हो जाते हैं कभी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो मॉडरेशन का मतलब क्या है कि अननेसेसरी दोनों में से किसी भी स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है आगे बढ़ जाना है जैसे अगर हेल्थ खराब हुई तो समझना है कि हेल्थ क्यों खराब हुई क्या हमने कुछ गलत खाया गलत पिया या हमने एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हमारा लाइफ खराब है जो भी है उसको एज अ साइन पोस्ट देखना है उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है ज्यादा सोचना नहीं है और हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए तो बहुत खुश नहीं होना है ऐसे ही इमोशनली कभी क्या होगा कभी बहुत अच्छा कोई जैसे आपने बोला कि आप मेडिटेशन करते हैं तो कभी कोई मेडिटेशन करते करते आपको कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया जिसको भी आप ठप्पा लगा रहे हो खुद आप कह रहे हो कि अच्छा है और जिस दिन वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ आप कह रहे हो नहीं है इस दिन अब मेडिटेशन में मजा नहीं आया वो अच्छा नहीं हुआ राइट right? ऐसे ही होता है ना मेडिटेशन में भी डेज होते हैं कुछ दिन होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे ही होता है जिस दिन मेडिटेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो गया उस दिन मेडिटेशन करना छूट जाएगा फिर ट्वेंटी फोर बाय सेवन आप मेडिटेशन में रहोगे फिर ध्यान करोगे नहीं ध्यान दोगे जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने कोई मेडिटेशन नहीं करी है आई डोंट मेडिटेट आई एम ऑलवेज इन मेडिटेशन क्योंकि व्हाट इज मेडिटेशन ध्यान देना छोटी-छोटी चीजों पर लाइफ में अभी जो बात मैं आपको कह रहा हूं दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ के लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है सब कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है तो ये समझ लेना इज मॉडरेेशन दूसरा ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन के टाइम पे वो चाहे कोई भी एक्सपीरियंसेस हो किसी भी लेवल के हो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं कभी भी बात नहीं करता हूं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मेरे को क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं बट जहां तक भी आप सोच सकते हो जो भी सोच सकते हो या जो भी आपने पढ़ा है वो सब एक्सपीरियंसेस मेरे को हो चुके हैं बट मैं कभी भी उसके बारे में बात नहीं करता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब आते हैं एक्सपीरियंस और चले जाते हैं तो लाइफ में ये समझो कि क्या है जो आया और गया और क्या है जो ना आया ना गया जो हमेशा है जो था है और रहेगा और क्या जो राइट right, उसी की तलाश में हो तो क्या जो आता जाता रहता है वो आप हो यानी थॉट फीलिंग्स इमोशंस या गुड हेल्थ बैड हेल्थ या जो इन सबको एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है इनफैक्ट वहां पर ना कर रहा है ना कर रही है वो तो कॉन्शियसनेस है वो आप हो अगर वो आप हो तो आपकी आइडेंटिफिकेशन सही जगह पर है अब आप एक मॉडरेट लाइफ जी सकते हो अब कुछ भी चलता रहे अंदर क्या फर्क पड़ता है अच्छे इमोशन आ जाए बुरे आ जाए क्या फर्क पड़ता है मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंस हो जाए ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है हाउ डज इट मैटर द रियल गोल ऑफ मेडिटेशन इज टू अंडरस्टैंड कि ये सब एक्सपीरियंसिस किसमें आ रहे हैं और किसमें जा रहे हैं जिस साउंड ऑफ साइलेंस को आप एक एक्सपीरियंस समझ रहे हो वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो हमेशा रहती है तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो हु एम आई तब शायद कुछ आंसर्स अंदर से निकल करके आएंगे कोई और क्वेश्चन अह यस सर सेकंड क्वेश्चन इज कि मेरी प्रैक्टिसेस जैसे मैं रेगुलरली करती हूं कभी-कभी इंटेंस हो जाती है तो आ, लगता है बहुत बार कि लोगों के साथ जो कॉन्वर्जेशन मैं करती हूँ या जो बातें मैं सुनती हूँ फिजूल लगती है ऐसा लगता है कि कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बता रहा है कोई अपनी खुद की तारीफ कर रहा है ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को समझ नहीं पा रही हूँ या सामने वाला मुझे नहीं समझ पा रहा तो हाउ हाउ डू आई हाउ डू आई कल डीप रिलेशनशिप विद विद पीपल देखो हर एक से तो हमारी एक डीप रिलेशनशिप नहीं हो सकती बट कुछ लोग तो लाइफ में ऐसे होते हैं ना जिनके साथ में हमारी एक डीप रिलेशनशिप हो सकती है एक अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है अच्छी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि वो हमको समझे अच्छी रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हम उसको समझे और उससे उसके लेवल पर आ करके ही बात करें तो हमारी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी हो सकती है अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है उसका मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब आप उससे मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे क्यों बकवास कर रहे हो तो गलती किसकी है उसकी या आपकी जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि मेरे जो सेशंस होते हैं मेरे दो अलग अलग चैनल हैं एक स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है एक मेन चैनल है, है तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे से कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं उसी लेवल पे आंसर करता हूं तो इस तरह से जब हम समझने लग जाते हैं तो हमारी किसी से भी अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है जैसे मैं अगर कभी कहीं गया हूँ और कोई मान लो मुंबई गया हूँ बैंगलोर गया हूँ किसी काम से वट तो वहां पर टैक्सी में हूँ मेरी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ में बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है बहुत लंबी लंबी बात चलती रहती है मान लो दो घंटे का रास्ता है तो दो घंटे तक बातें हो रही है जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर साइकी दिस इज रियल रिलेशनशिप जहां पे आप सामने वाले को समझ रहे हो उसको समझाना नहीं है ठीक है तो इससे क्या होता है जब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है तब हमारे अंदर से जो अज है किसी को भी बदलने की वो पूरी तरह से निकल जाती है जैसे ज्यादातर आपने देखा होगा जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उन सबका क्या मोटिव होता है आपको कुछ सिखाना आपको कुछ बताना आपको बदलना आपको बताना कि ये प्रैक्टिस करो ये करो वो करो ये करो वो करो अच्छा ये करने से क्या होगा आप उनसे पूछो ये करने से ना एक दिन ये हो जाएगा अच्छा उससे क्या होगा उससे क्या होगा उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्या देखो उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो उनकी लाइफ को क्या उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है जब उनकी ही नहीं है जो आपको सिखा रहे हैं तो आपकी कैसे हो जाएगी तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी नहीं बदलता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद में जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं आत्मबोध बोलते हैं उसके बाद में कुछ भी नहीं बदलता है एट द लेवल ऑफ बॉडी माइंड ये वो बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ही वो ठीक हो जाती है देन दैट इज दिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन क्योंकि अब हमें किसी को थोड़ा सा भी नहीं बदलना है जो जैसा है सब बढ़िया है सब अच्छा है वो करे तो भी ठीक है नहीं करे ये सब मेडिटेशन और ये वो तब तो भी ठीक है कोई फर्क नहीं है दोनों में थोड़ा सा अलग है ना ये उस सब से जो भी आप जिस भी तरह से पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं सर मैंने पोलैरिटीज बहुत देखी है मैंने आपकी मैं अष्टवक्र की मैंने सीरीज मैंने अभी तक सिर्फ तीन वीडियोज ही uh, सुने हैं um, तो आप जो अभी जो कह रहे हैं इट इट फॉल्स इट अलाइंस विद द सेम थिंग बट आई हैव आल्सो द अदर पार्ट ऑफ इट इज यू नो You do practices because तुम्हें अपने कर्मस को break down करना है। So I have seen like two extreme ends of फिर चाली थी। तो there is I I understand कि बहुत कचरा भरा हुआ है दिमाग में। हाँ। huh. तो so I I am aware of it but accept करना surrender करना to to one particular thing is is uh, is very difficult. राइट right, राइट yeah. right. और वो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस वहां पर एक तरह से ये कह लो किसी और के हाथ में चली जाएगी अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस को सरेंडर कर दिया फिर चाहे मुझे या आपने किसी और को कर दिया तो आप समझ जाओ कि अब वो वहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी तो नेवर बिलीव एनी चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और है हर एक को क्वेश्चन करो अपनी इंटेलिजेंस को और बढ़ा दो स्पिरिचुअलिटी में लोग क्या बोलते हैं कि दिमाग मत लगाओ जो हम कह रहे हैं ना बस चुपचाप करते रहो क्यों क्योंकि क्यों? 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 उनको खुद ही कुछ समझ नहीं आया तो आपको क्या समझाएंगे जैसे आप उनसे पूछोगे क्या होता है तो कुछ भी कहानियां करने लग जाएंगे अच्छा एक पिछले जन्म में ये होता है वो होता है उनको बोलो आपको याद है क्या अपना पिछला जन्म उनको बोलो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को छोड़ो आप ये बताओ बर्थ क्या होता है और डेथ क्या होता है क्या पैदा होता है क्या मरता है रीबर्थ तो तभी पॉसिबल है ना जब बर्थ होगा और बोलो अगर बर्थ और डेथ ही झूठ है तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कहां से आया तो इसको आराम से ब्रेक डाउन करना होता है नाउ डोंट बिलीव मी हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूं हो सकता है वो बकवास कर रहे हैं तो आराम से क्वेश्चन करो आराम से समझो कि रीबर्थ मतलब क्या क्या आपको याद है औरों को छोड़ो क्योंकि और लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं आपको याद है आप पिछले जन्म में क्या थे नहीं है नहीं। ठीक है ये एक एस्पेक्ट हो गया बट एक दूसरा एस्पेक्ट भी है आपके जो पेरेंट्स हैं आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका डीएनए आपके डीएनए से मैच होता है नहीं होता है तो क्या आप उनका रीबर्थ नहीं हो और अगर और पीछे जाते चले जाओ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनके पीछे उनके पीछे उनके पीछे तो हम सबका जो सोर्स है जो भी थे पीछे से पीछे पीछे से पीछे जो भी टॉप पर थे वो आपके और मेरे जो भी ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स थे क्या वो अलग अलग हैं या वो एक ही हैं एक ही है तो क्या हम इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का रीबर्थ नहीं है आर वी नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस होल यूनिवर्स थोड़ा सा उपनिषद्स को पढ़ो अगर उपनिषद नहीं भी पढ़ने बोरिंग लगते हैं तो उसमें जो महावाक्य है उसको पढ़ो तत्व मसी दैट मीन्स यू आर दैट यू आर ब्रह्मन यू आर द सुप्रीम रियालिटी अहम ब्रह्मस्मी मतलब मैं ही ब्रह्म हूं ब्रह्म मतलब क्या आत्मा और आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है इस तरह से आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखना होता है दिस इज इंस्टेंट लिब्रेशन इंस्टेंट मुक्ति लेकिन हमारी ईगो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्यों क्योंकि ईगो को मजा आता है कुछ करते रहने में क्योंकि ईगो डिजोल्व हो गई ना ईगो इज वॉट सेपरेट आइडेंटिटी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं ये यूनिवर्स अलग है भगवान अलग है और लोग अलग हैं सब कुछ अलग अलग है उस अलग में मेरा अपना एक अलग कर्मों का कहीं कोई अकाउंट है लॉ ऑफ कर्मा को समझना एक लाइन के अंदर अंदर क्या होता है लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है आई यू रियली आस्किंग इट बिकॉज यू वॉन्ट टू नो इट या फिर

Right. क्या कहा जो एक करता है यानी जो आप करते हो उसका असर सब पर होता है ये जो मेरा सेशन अभी हो रहा है आपके साथ में जो कॉन्वर्सेशन है ये यूट्यूब पर अपलोड होगी मेरे स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल पर इसको कुछ लोग देखेंगे तो जो मैं कर रहा हूं और मैं भी अकेला नहीं कर रहा हूं इस वक्त आप भी हो ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तभी तो मैं आंसर दे रहा हूं अगर आप ही ना हो तो मैं किससे बात करूंगा क्या बात करूंगा तो अभी ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है इसकी वजह से पूरी दुनिया पर इफेक्ट आने वाला है और पूरी दुनिया मिल करके जो कर रही है उसका इफेक्ट एक बच्चा जो अभी कहीं किसी गांव में या किसी शहर में कहीं कोई पैदा हो रहा है उसके ऊपर आता है आप समझे इसको बारीकी से समझना आराम से बैठ करके तो आपको समझ आ जाएगा इल, असली में लॉव कर्मा क्या होता है अलग है ना थोड़ा सा और उसे बट इट इज वेरी सिंपल इजी टू ऑब्जर्व और यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कोई पूछता है कि भाई मैं रोड पे जा रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ या मानो किसी लड़की के साथ में कुछ बहुत गलत हो गया अब आप पूछ रहे हो अपने किसी गुरु से जाकर के कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ तो अगर तो वो गुरु बेवकूफ है तो वो क्या कहेगा कि जरूर उसने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म करे होंगे जिसका फल उसको अभी भुगतना पड़ रहा है अगर आप मेरे से पूछोगे उस लड़की के साथ में ऐसा गलत क्यों हुआ तो मैं कहूंगा वो एक फेलियर है किसका फेलियर है वो सबका फेलियर है गवर्नमेंट का फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम इतना स्ट्रांग होता तो उसके साथ में वो नहीं होता तो आप समझ रहे हो कि जो पूरी दुनिया कर रही है उसका असर एक पर हो रहा है और ये जो एक है मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा यहां पर जानवरों की बात भी कर रहा हूं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर समुद्र में जो मछलियां हैं उनके ऊपर हो रहा है जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसका असर उन पर हो रहा है उन मछलियों की कोई गलती नहीं है उन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं करे हैं वो इनोसेंट हैं उनको कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है अपने पाप धोने के लिए

एक बेबी में और आप में फर्क क्या है बेबी के अंदर अभी ये जो सेपरेट सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक आया ही नहीं है प्लांट ही नहीं किया है किसी ने एक छोटा सा बेबी जो अभी पैदा हुआ है मान लो एक साल का है उससे पूछो कौन हो तुम वो देखता रहेगा वो कुछ समझेगा ही नहीं तो वो खुश है वो अभी पूरे यूनिवर्स के साथ में एक है तो अलग कब होता है जब उसको सिखाया जाता है तेरा ये नाम है मान लो लड़की है तो उसका नाम है पिंकी लड़का है तो मान लो नाम है पप्पू तो उसको ये माइंड में डाला जाता है कि तू पप्पू है तू पिंकी है फिर उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं फिर उसके साथ में सब कुछ जुड़ जाता है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके देखना होता है जब आप देखने लग जाते हो तो देन यू बिकम मोर लाइक अ लाफिंग बुद्धा कि जहां पे आप बैठे बैठे बस देख करके दुनिया को हंसते रहते हो फिर आप किसी को भी जज नहीं करते हो ना खुद को ना औरों को क्योंकि कहीं कोई फर्क है ही नहीं ब्रेन के लेवल पर सबके साथ जो होता है वही होता है ये अलग अलग दो तरह की रेस चल रही है एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में रेस चल रही है कुछ अचीव करने की कुछ इकट्ठा करने की कुछ पाने की ऐसी एक स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में एक रेस चल रही है कुछ इकट्ठा करने की कुछ पाने की कुछ अचीव करने की मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया मेरे को वो एक्सपीरियंस हो गया इससे होता क्या है कि जो गुरु है और जो शिष्य है उसके बीच में एक बहुत बड़ी लाइन बन जाती है कि मैं गुरु हूं क्यों क्योंकि मेरे पास में ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल जैसे इस दुनिया में होता है कि मैं अमीर हूं क्यों क्योंकि मेरे पास में बहुत पैसा है, की दुनिया में होता है। मैं गुरु क्यों? क्योंकि मेरे को, ये सब हुए अच्छा गुरु मेरे को कैसे होंगे तुम भी ये सब करो तुम्हें भी एक दिन हो जाएंगे गुरु भी नकली शिष्य भी नकली रियालिटी क्या है कुछ करने की जरूरत नहीं है पूर्ण मद पूर्ण मिदम ये सुना है आपने मंत्र पूर्ण में से पूर्ण निकलता है और पूर्ण पूर्ण में चला जाता है और पूर्ण ही बचा रह जाता है इन्फिनिट में ये फाइनाइट का कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है इन्फिनिट में से कुछ भी निकाल लो एंड में इंफिनिट ही बचा रह जाता है और जिसको निकाला है वो भी इन्फिनिट है और जब वो वापस चला जाएगा तो वो भी इन्फिनिट है कहीं कोई डिविजन है ही नहीं आप में और आपके गुरु में कोई फर्क है ही नहीं आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं बस मैं इस बात को समझ पा रहा हूं आप अभी समझ नहीं रहे हो समझ लो अभी समझ लो एक मिनट में क्यों एक दो साल बाद दस साल बाद समझना है कभी ना कभी तो समझना ही पड़ेगा अभी समझ लो एक मिनट में कि सब कुछ एक ही है उसके बाद जो करना है करो प्लेफुली काम करना है काम करो रिलेशनशिप में जाना है वहां जाओ शादी करनी है मेडिटेशन करनी है करो नहीं करनी मत करो कुछ पढ़ना है पढ़ो नहीं पढ़ना मत पढ़ो सिंपल है इसको फ्रीडम बोलते हैं इंस्टेंट फ्रीडम गोइंग बिकॉज अगर कहीं भी आपको ये गलत फहमी है ना कि कुछ भी करने के बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो बेसिकली आर लिंकिंग योर फ्रीडम टू अ स्टेट और एन एक्सपीरियंस और आप चाहे कुछ भी कर लो कोई भी स्टेट कोई भी एक्सपीरियंस कभी भी बनी नहीं रह सकती है अगर आप आज इस मोमेंट में फ्री नहीं हो पाए तो कल आप फ्री हो ही नहीं पाओगे क्योंकि कल कभी आएगा ही नहीं कल भी आज होगा अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो भी गया तब भी आप जाकर के कहीं कोई और बुक पढ़ोगे वहां पे कुछ और लिखा होगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं इससे कुछ नहीं होता अभी तो इसके आगे की और बहुत सारी स्टेजेस हैं कौन सी स्टेजेस हैं किसने बनाई है ये स्टेजेस ये सब इस दिमाग की उपज है सिर्फ दो ही चीजें हैं एक है एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस दैट मीन्स यू आर एवरीवेयर यू आर एवरीथिंग यू आर इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन यू दैट इज द अल्टीमेट रियालिटी